अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप अपने URP की एप्लीकेशन से किसी और के URP में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, चाहे वो नंबर आपके मोबाइल में सेव है चाहे नहीं सेव है, तभी भी दोनों तरीके से आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि आपका जो पैसा है सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो सके, कोई भी गलती ना हो, आपका पैसा कहीं भी होल्ड ना हो जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ये जो URP का एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं अपना जो URP का एप्लीकेशन है इसको ओपन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से, अगर आपके मोबाइल में नंबर सेव है तो किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है सेव वाले नंबर पर, जो पहले से आप किसी नाम से सेव किए हैं, अगर कोई नया नंबर जो आपके मोबाइल में सेव नहीं है तो उस पर कैसे ट्रांसफ़र करना है, दोनों तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से आएगा पासवर्ड डालने वाला ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको अपना URP का जो पासवर्ड आपका होगा आपको यहाँ पर डालना होगा। तो मेरा जो पासवर्ड मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ, आपका भी जो पासवर्ड है आप यहाँ पर डाल दीजिए। पासवर्ड जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करेंगे थोड़ा सर्चिंग लेगा, सर्च होने के बाद फिर आपके सामने URP का जो इंटरफेस कुछ तरीके से आ जाएगा। हमारे सामने देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है, पूरा सक्सेसफुली है लॉगिन हो चुका है। हमारे पास जो बैलेंस है 60 रियाल बैलेंस है और यहाँ पर 5 हलाला जो है देख सकते हैं बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपको URP में पैसा ट्रांसफ़र करना है अपने URP से, उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा होम, उसके साइड में आपको दिखेगा राइट साइड में कार्ड्स, कार्ड्स के साइड में आपको दिखेगा राइट साइड में ट्रांसफ़र, ऊपर आपको 2 3 आइकन भी दिख जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है ट्रांसफ़र के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रांसफ़र पे, ट्रांसफ़र पे क्लिक करते इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर जो सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है वॉलेट ट्रांसफ़र, यहाँ पर आपको URP का लोगो भी आपको दिखेगा, तो आपको यहीं पर क्लिक करना सबसे पहले वाले ऑप्शन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट कॉन्टैक्ट, तो आपका जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो चुका है जिसमें आपका सारा नंबर सेव होता है वो ओपन हो चुका है। तो आपका उसमें जैसे आप जो नंबर सेव किए होंगे उसमें जो भी लोग अपने मोबाइल नंबर पर URP अकाउंट बनाए होंगे उसका यहाँ पर सबसे पहले ही सामने आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर स्टार्टिंग में शो हो रहा है देख सकते हैं, ये 5 नंबर जो है इन सब पे यहाँ पर चालू है URP, देख सकते हैं यहाँ पर ये राइट साइड में आपको लोगो भी इसका दिख रहा होगा, ये लोग ने यहाँ पे चालू किया, लेकिन बाकी जो नीचे जो नंबर है इस पर कोई कोई पे है कोई कोई पे नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर ये बता रहा है कि इन्वाइट कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप पहले से सेव कर रखें नंबर तो आप उस पर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल में देखता हूँ कि कौन से नंबर पर मुझे ट्रांसफ़र करना है आपको दिखाने के लिए, तो मैं आपको दिखा दूँगा फिर उस पर। तो मैं पहले नंबर चूज़ करता हूँ कि कौन से नंबर पर मुझे भेजना है। तो चलिए एग्ज़ाम्पल में बताता हूँ, किसी भी नंबर पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ये फर्स्ट वाले नंबर पर ही क्लिक कर देता हूँ, तो या तो फिर ये लास्ट वाले क्लिक कर देता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा इंटर अमाउंट, आपको यहाँ पर अपना अमाउंट डालना है। जैसे एग्जांपल मैं 50 रियाल यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा आपको यहाँ पर दिखेगा ट्रांसफ़र रीज़न, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर आपको रीज़न सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पर्सनल ट्रांसफ़र टू इंडिविजुअल सबसे बेस्ट यही है, इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर फैमिली टू यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफ़र टू फैमिली और फ्रेंड, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप इस पर चूज़ करेंगे, फिर यहाँ पर आपको नोट पर कुछ भी आपको लिख देना है, जैसे जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये था नंबर सेव वाला जो नंबर पे ट्रांसफ़र करने का तरीका, इस पर कर करके फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे करेंगे आगे वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके मोबाइल में नंबर सेव नहीं है तो आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे उस पर, तो इसके लिए हम यहाँ से बैक करेंगे एक बार, यहाँ से इसे हम कट करेंगे, वापस आ जाएंगे वॉलेट ट्रांसफ़र के सामने वाली बटन पर, हमको फिर से इसी के ऊपर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही फिर आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा जैसे पहले आया था, लेकिन आपको यहाँ पर एक बटन दिखेगा जहाँ पर लिखा हुआ ऐड न्यू नंबर, यहाँ पर आपको प्लस वाला निशान भी दिखेगा, आपको ये बटन पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देगा इंटर मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जिस नंबर पर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है उसका नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आपको देख लेना यहाँ पर ये 0 यहाँ पर लगा हुआ है पहले से 05, आपको बस अपना नंबर शुरू करना है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर फटाफट से नंबर जो है इंटर करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे आपको क्या करना होगा, और आपको फिर एक बार नंबर मैच भी कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला बटन शो हो चुका है। तो पहले मैं एक बार ये नंबर मैच कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए मुझसे। तो नंबर हमारा बराबर है, बस यहाँ पे अभी मैं सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। जब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट वाला ऑप्शन। जैसे मैं यहाँ पर अमाउंट डालना चाहता हूँ 50 रियाल, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा इस तरीके से, और उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे नेक्स्ट वाला बटन है यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं वापस हम उसी पेज पर आ गए हैं जहाँ पर मैं इससे पहले आपको बताया था कि आप अगर आप नंबर से ट्रांसफ़र करेंगे जो सेव नंबर है तो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र रीज़न नोट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वही जगह पर हम आ चुके हैं फिर से। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रांसफ़र रीज़न के ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा जो मैं पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो फ्रेंड है मेरा, तो यहाँ पर लिखा हुआ ट्रांसफ़र टू फैमिली और फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ।
अब यहाँ पर लिखा हुआ नोट, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, अपना नाम यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि उसको जब मैसेज जाए तो उसको लगे कि हाँ मेरी तरफ से पैसा उसके पास में गया है। तो यहाँ पर मेरे पास में प्रूफ भी रहेगा। तो यहाँ पर फिर अभी ये सब आपको डाल देना है, फिर आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा नेक्स्ट, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये भाई साहब का नाम आ जाएगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये रिसीवर नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है और ये रिसीवर मोबाइल नंबर जो नंबर हम डाले नंबर भी आ चुका है और यहाँ पर ट्रांसफ़र जो रीजन सेट किया वो भी आ गया है। नोट में हमारा नाम आ चुका है। अमाउंट जो है यहाँ पर अमाउंट ₹50 हो चुका है। ट्रांसफ़र फीस जो है 0-0 कट रही है। जो यहाँ पर वेट जो टैक्स होता है, यहाँ का जो टैक्स काटते हैं लोग, वो भी 0-0 यानी कोई भी पैसा टैक्स नहीं कट रहा है। और जो टोटल यहाँ पर अमाउंट है वो ₹50 है, यानी हमारा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कट रहा है। या आपको सब पूरा चेक कर लेना, सब सही है। आपको यहाँ पर सीधा कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कन्फर्म के ऊपर। जब यहाँ पे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वेरीफिकेशन कोड। तो हमारे नंबर पर कोड भी आ चुका है, दूसरे वाले नंबर पर, जो हमारा दूसरा वाला नंबर है दूसरे वाले मोबाइल में लगा हुआ है। अभी आपको शायद हो सकता है थोड़ा सा उसका जो साउंड है मैसेज का आया होगा। तो हमारे पास मैसेज आ चुका है दूसरे वाले पर। मैं यहाँ पर ये मैसेज दे करके यहाँ पर इंटर करता हूँ और फिर आगे आपको क्या करना होगा मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना जो पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया हूँ। पासवर्ड डालने के बाद मैं देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रांसफ़र का ये टिक मिल चुका है, ग्रीन वाला ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, हैज़ बिन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये देख सकते हैं ये जो पैसा है ये सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो चुका है और मेरे दूसरे वाले मोबाइल पे मैसेज भी आ चुका है उनके नाम से वेरीफिकेशन कोड के साथ में। लिखा हुआ है सर्विस वॉलेट ट्रांसफ़र डेबिट या लिखा हुआ है और वॉलेट और उनका जो नाम जिस नाम से मैं भेजा हूँ पैसा उनका नाम भी मेरे मैसेज में पूरा यानी डिटेल में लिख के आ चुका है कि उस पर पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। अगर आप यहाँ से उनको शेयर करना चाहते हैं किसी को प्रूफ के तौर पे, जैसे उनको यकीन नहीं है या फिर उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं पैसा ट्रांसफ़र कर चुका हूँ आपके पास में, तो उनके पास स्लिप भेजना चाहते हैं, स्लिप जो होता है ट्रांसफ़र का, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिर्फ क्लिक कर देना है यहाँ पर शेयर के ऊपर। शेयर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे जैसे इस नंबर इस मोबाइल में मेरे व्हाट्सअप ईमो कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर होता तो आप उस पर क्लिक कर देते, सेंड कर देते तो आपके पास में जो आपका जो ट्रांसफ़र का जो स्लिप है उनके पास में सेंड हो जाएगा। तो यही तरीका था पैसा ट्रांसफ़र करने का। और यहाँ पर ये आपको डन पे क्लिक करना है। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से बैक करके मेरा बैलेंस काटा कि नहीं, तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पर ये ₹50 कट चुका है, ₹10 सिर्फ यहाँ पे बचा हुआ है। तो यही तरीका था पैसा ट्रांसफ़र करने का। तो वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।